हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 10 बजे से। तो हम लोग ना आज कहीं जा रहे हैं, तो नहला दिया है, इसको तैयार करती हूँ, फिर मैं भी तैयार होती हूँ। मेहता जी के खेत में गए हैं कुछ काम से, तो तब तक बेबी को भी और खुद भी मैं तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस, हम ना कहीं जा रहे थे, तैयार हो गए, मेरा बेबी भी तैयार हो गया और मेहता जी भी हो गए हैं। और बेबी आज खुश हो रही है, शाम को बहुत ज़्यादा रोने वाली है। तो चलते हैं, मेरे चाची को भी ड्यूटी के लिए भी देर हो रही है, काम होगा तो ठीक, नहीं होगा तो घर को वापस आना है। बैंक पहुंच गए हैं और मेरा बच्चा सो गया था रास्ते में, तो मिता जी अंदर गई है अभी। तो बेबी का आधार कार्ड बन गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर को। आशीर्वाद में नाम छाने लगे और तो हम लोग ना पहुंच गए हैं घर। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अब, आज बतानी बेबी और परेशान करेगी, पहली बार बाहर गई थी। तो हम ले आए हैं अपने बीवी के लिए पार्सल, देखते हैं इसमें पार्सल वाले ने क्या क्या दिया है। गर्मी के मौसम में बेहतरीन सैंडो है बेबी के, काफ़ी मुलायम है और कंफर्टेबल भी है, देख सकते हैं आप। तुम्हारे दौर कैसे आगे भी खराब? मेरे लोअर तो हमेशा ख़राब ही आते हैं, कभी कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, कभी पतला हो जाता हूँ ना, साइज बढ़ते घटते रहता है मेरा, तो इसलिए दिक्कत आती है। ये पूजा बच्चे को सहलाते हुए यहाँ पे और कपड़े चेंज कर। तो आज हमारी बेबी ने काफ़ी लंबा समय किया, मात्र 1 महीने की है ये, और इसने बहुत लंबा सफ़र किया, कम से कम 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रही है हमारी छोटी सी नन्ही सी बेबी, देख सकते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है इसको। ये देख सकते हैं, अब नींद आ रही थकान के मारे, अरे कुछ ही देर बाद सो जाएगी। तो मेहता जी खाना खा रहे हैं, फिर ड्यूटी को जाएंगे। बेबी बिना सो गए हैं जुमले में। तो 2:15 हो रहे हैं, इतनी बार उठती हो ही गई है। छत में कपड़े लेने आए हूँ और धूप आज है ना हल्की वाली लगी है, मौसम भी अच्छा वाला हो रहा है आज। खेतों में ट्रैक्टर लगे हैं, मतलब हमारे वहाँ जुताई ऐसे होती है ट्रैक्टर से। पहाड़ की जुताई और भावर की जुताई में ना ऐसे अंतर है। जेठ जी जोत रहे हैं खेत और चाचा जी और ससुर जी पता नहीं क्या कर रहे हो वहाँ पे। ये दिन में शुरू हो रही थी, आज थोड़ा बाहर ले गई थी ना, तो ज़्यादा ही हो रहा है इसको, तो 6 बजे से सो रही है ये। अब कितना उठा रही, नहीं उठ रही, और मैंने आटा भी लगा दिया अपना। अब आज ये रात में सोने देती, नहीं सोने देगी, फिर कल से मेहता जी के ना सुबह की शिफ्ट है, तो मेरे को फिर सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा। वैसे भी उठने को तो उठ ही जाती हूँ, फिर कल 4:30 बजे उठना पड़ेगा उनके लिए नाश्ता, ड्यूटी के लिए रोटी बनाने के लिए। तो 8 बजने को जा रहे हैं, अब इसको नहलाती हूँ, उठेगी तो ठीक है, नहीं तो सोएगी तो फिर भी ठीक है, रात में भी बैठना पड़ेगा इसके साथ। 8:30 हो रहा है, अब मैंने ना अभी बेबी को रात में भी नहला दिया है इसको, और उठ ही नहीं देती, वैसे ही नहला दिया तो अब उठ गई है, अब पता नहीं रात में कब सोएगी। नहला रहा है और भूख लग गई है उसको बहुत जोर की, अब वो खाना खाने के लिए तैयार हो गए, खाना खाएगा मम्मा। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लास्ट ब्लॉग कर रहे हैं, यही तो कर देंगे नींद के नेक्स्ट ब्लॉग पे। अब मेहता जी आएंगे दीदी से, तब जाके उसको देखेंगे। ये तो रही नहीं आज भी सोने से।
तो 10:55 हो गया है और नीचे ना मेरे आँखें सूज रही हैं। ये सोई नहीं और मीता जी ना ड्यूटी से आके इनके लिए रोटी खा गई होगी तो रोटी बना रहे अपने लिए। तुम देखोगे सुबह ड्यूटी जाना है ना मैंने। अच्छा अभी बताने का इसके आँख इतने छाले हो रखे हैं सोने वाली है नहीं फचक कर लेगी मम्मा फचक। बस इसको बात करने चाहिए मुँह ही देखिए। तो मेहता जी की भी सुबह ड्यूटी है बस उठ पाऊंगी तो रोटी बना दूंगी नहीं उठ पाऊंगी तो फिर मी हैप्पी बनूल रॉट। तो आज के ब्लॉग इतना यहीं पर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।